दोस्तों मेहनत भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, पर पूरे जीवन भर हमारी व्यवस्था सुधर नहीं पाती है। आप सोच रहे होंगे कि हमारा प्रयास कहां पर विफल रहता है, हमें रास्ते क्यों नहीं मिल पाते। दोस्तों आज के हमारे वीडियो के टॉपिक को देखकर आप अवश्य सोच रहे होंगे कि जब हमें कर्म करते करते, पाठ पूजा करते करते, नाम स्मरण करते करते हमारे को कुछ नहीं मिलता, हम जीवन भर अर्थव्यवस्था से जूझते रहते हैं, तो फिर बिना कुछ किए ही हमें रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति कैसे मिल सकती है। और बात भी सोचने लायक है, पर दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसा होगा और आपके द्वारा ही होगा। बस मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी, नाम था कुंठा। नाम कुंठा था और कार्य भी उसका इसी प्रकार का था कि वह झगड़ालू स्वभाव की थी। अब झगड़ा करती तो उसे अच्छा कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। दोस्तों पड़ोस में तो क्या, अपने सास ससुर के साथ भी, अपने पति के साथ भी रोजाना झगड़ा करना उसकी दिनचर्या था। दोस्तों अब दोस्तों उस गांव में एक फकीर आया करते थे भिक्षा मांगने के लिए। वह भिक्षा से ही अपना गुजारा किया करते थे, कुछ खाने को मिल जाता खा लिया करते थे। जब वह गांव में फकीर भिक्षा मांगते तो भिक्षा लेने के बाद वह भिक्षा देने वाले को कोई ना कोई अच्छी बात जरूर बता दिया करते थे। परंतु जब दोस्तों वह कुंठा के घर से भिक्षा मांगने आते तो भिक्षा लेने के बाद भी चुपचाप चले जाया करते थे। अभी तक तो कुंठा को इस बात का पता नहीं था, पर जब उसे गांव की औरतों के द्वारा पता चला कि यह फकीर कुछ ना कुछ बात बता करके जाता है, तो कुंठा ने आज फकीर से अपनी सीधी बात करने का मन बना लिया। जैसे ही फकीर भिक्षा मांगने के लिए आए तो कुंठा ने फकीर से कहा, सुनिए महाराज, आप सब गांव में सभी को कुछ ना कुछ बताते हैं और मेरे घर से भिक्षा मांगकर आप चुपचाप चले जाते हैं, ऐसा क्यों है। तो फकीर कहने लगे, बेटी अब यह बात मैं आपको कल बताऊंगा। कुंठा ने कहा, कोई बात नहीं, तो कल मेरे यहां पर भिक्षा लेने आप जरूर आना। अब कुंठा ने अगले दिन स्वादिष्ट खीर बनाई। उन्हें पता था आज मैं फकीर को खीर का भोजन देऊंगी तो वे अच्छी बात कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। अब जैसे ही फकीर द्वार पर आते हैं तो कुंठा अपना खीर का पात्र ले आती है।
और फकीर से कहने लगी कि लो महाराज, आज मैंने आपके लिए खीर बनाई है। तो फकीर ने भी अपना पात्र आगे कर दिया कि लो बेटी, इसमें डाल दो। कुंठा जैसे ही खीर को उस पात्र में डालने लगी, उसके हाथ वहीं पर रुक गए। फकीर ने कहा, डाल दो बेटी, आप रुक क्यों गई? कुंठा बोली, महाराज इसमें तो कंकड़ पत्थर कीचड़ भरा हुआ है, इसमें मैं अपनी यह खीर कैसे डाल सकती हूँ? यह तो खाने योग्य ही नहीं रहेगी और यह तो गंदी हो जाएगी। तब फकीर कहने लगे, बेटी आप जब अपनी खीर को मेरे इस गंदे पात्र में नहीं डाल सकती, तब मैं अपनी अच्छी बातों को तुम्हारे झगड़ालू स्वभाव वाले मन में कैसे डालूं? मैं अपने अच्छे विचार आपको दूं तो मेरे विचार भी जो अच्छे हैं वो दूषित हो जाएंगे, तो मैं आपको अपनी बात कैसे बताऊं? कुंठा को बात समझ में आ गई, वह फकीर के पैरों में गिर पड़ी। उसे ये ही नहीं पता था, वह तो झगड़ा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और बलवान घोषित करने की सोचा करती थी कि मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, मुझसे अधिक समझदार कोई नहीं है, मैं ही बुद्धिमान हूं। उसे इस बात का पता ही नहीं था। और जब फकीर ने यह बात कही, उसकी आंखें खुल गई। वे सीधे अपने सास ससुर के पास जाती है, उनके चरणों में गिर पड़ती है और उनसे क्षमा याचना के लिए कहती है, तो उसके माता पिता उसे प्यार से उठा लेते हैं और कहा, बेटी कुछ नहीं, जो भी होता है अच्छा ही होता है, आज भी आप ठीक रास्ते पर आ जाएंगी तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पति भी यह बात सुन रहा था, तो वह पति के पास जाती है और उनसे क्षमा याचना करती है। घर में एक स्वर्ग जैसा माहौल बन जाता है। वहां से सीधी कुंठा फकीर के पास आती है और कहती है, महाराज सबसे पहले तो मुझे अपना पात्र दें, मैं इसे साफ करके इसमें अपनी खीर डालती, फिर मुझे बात बताना। फकीर ने उन्हें अपना पात्र दिया, कुंठा ने उसे अच्छी प्रकार से साफ किया और उसमें अपनी खीर डाल दी। फकीर को देकर के बोली कि महाराज आप मुझे अब अच्छी बात बताइए। फकीर कहने लगे, सबसे पहले तो आज से मैं तुम्हें कुंठा के नाम से ना जानूं, मैं कुलेश्वरी के नाम से जानूं। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। कुलेश्वरी बहुत ही प्यारा नाम है, कुल की ऐश्वरी। और आज का जो मेरा पहला अपना अच्छा विचार है वह यही कि परमेश्वर भी वहीं पर वास करते हैं जिनका मन दूषित नहीं होता है, जिनका मन सरल होता है, बच्चों के समान होता है, पवित्र होता है, जिनके मन में किसी प्रकार के कोई विकार ना हुआ करते हैं। परमेश्वर रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति वहीं पर वास किया करते हैं। बेटी इस बात को आज मेरी पहली बात समझ करके नोट कर लेना।
कुलेश्वरी उनके चरणों में गिर पड़ी, फकीर का धन्यवाद दिया और आज से ही उसने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, आप भी यदि अपने मन में किसी प्रकार के विकार नहीं रखते हो, बच्चों जैसा सरल मन बना लेते हो, पवित्र मन बन जाता है आपका, जिनमें कोई दूषित विचार नहीं होता, तो परमेश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर स्वयं उस मन में आएंगे और वास करेंगे। दोस्तों, यह 100% सत्य है। आप इसे आजमा करके देख लेना। दोस्तों, मन को पवित्र बनाओ, ईश्वर से कुछ ना मांगो, ईश्वर अपने आप सब कुछ देगा, झोली भर देगा। आपका मान सम्मान तो वैसे ही समाज में बढ़ने लग जाएगा और आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप देख लेना दोस्तों। अच्छा लगता है दोस्तों तो आपके लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।